ज्यादा दूर था मैं और पास आ गया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, महाकाल जय, महाकाल। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय श्री जगदीश देवड़ा जी, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय विभास उपाध्याय जी, जन अभियान परिषद के दूसरे उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, मुकेश गुप्ता जी, बीआर नायडू जी हमारे महानिदेशक, धीरेंद्र कुमार पांडे जी, भरत मिश्रा जी चित्रकूट ग्रामोदय विद्यालय के कुलपति, अनिल जी सीओ समुन्नति फाउंडेशन हैदराबाद, श्री गजेंद्र सिंह जी रीजनल फैसिलिटेटर मध्यप्रदेश हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट हैदराबाद, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार व्यास जी यहां उपस्थित, मंचासीन हमारे सभी साथीगण, अभी जिनको हमने सुना वो तो एक उदाहरण थे, ऐसे कई हीरे जन अभियान परिषद ने तैयार कर दिए हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, आपके बीच में आके मैं अत्यंत गदगद हूं, बहुत प्रसन्न हूं। आप भी खुश हैं कि नहीं? अरे आप भी खुश हैं कि नहीं? देखिए, हम एक ही मंजिल के राही हैं, एक ऐसा पथ हमारा जो मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के नए आसमान में ले जा रहा है और जो जनता के कल्याण के काम में लगा हुआ है। इसलिए मैं और आप दो नहीं हैं, मैं और आप एक हैं। ना मुझको कोई और है, ना तुमको कोई ठौर है, एक दूजे के लिए हम लोग बने। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है, आप आए हैं सब जन अभियान परिषद, उसके नेतृत्व में प्रस्फुटन समितियां, नवांकुर संस्थाएं, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के मेंटर्स, स्वैच्छिक संगठनों के पदाधिकारी और प्रतिनिधियों, आपका बारंबार स्वागत है, बारंबार यहां स्वागत है। जन अभियान परिषद ने अद्भुत काम किया है, ये स्वयं से भी संगठनों का, समाज सेवियों का, छोटी बड़ी संस्थाओं का एक ऐसा महासंगठन बन गया है जिसने सब सेवा करने वालों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है। एक अद्भुत संगठन ये आज बट वृक्ष बन गया है, बड़का पेड़। और मेरे मित्रों, मेरी बहनों, भाइयों, बड़का ये पेड़ जब सबको विकास की छाया दे रहा था, सबको विकास की छाया दे रहा था, क्या काम किए जल संरक्षण के, नशा मुक्ति के, ऊर्जा बचत के, संरक्षण के। पता नहीं बीच में सवा महीना की सरकार आ गई, उसको ये काम चुभ गए और उनने इसी बट वृक्ष को काटने की कोशिश की। बट वृक्ष तो नहीं कटा, लेकिन काटने वाले खुद कट के रह गए। क्या जरूरत थी?
जन अभियान परिषद को खत्म करने की कोशिश की। मेरे सीएम सीएलडीपी के बेटा बेटी, उनके भविष्य को अंधकारमय कर दिया गया। नवांकुर प्रस्फुटन समितियां, सबको फंड देना बंद कर दिया। इनने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, ये तो बता दो कमलनाथ, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? समाज सेवा का काम करने वाले, नदियों को सदा नीरा बनाने वाले, छोटी बड़ी जल संरचनाएं बनाने वाले, ये सारे लोग कांटे की तरह तुम्हारे आंखों में चुभ रहे थे। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं आप सबको, शीश झुका के प्रणाम करता हूं। तुम अद्भुत हो, तुम्हारा मंत्र है केवल अपने लिए नहीं जीना, समाज के लिए जीना है, देश के लिए जीना है, औरों के लिए जीना है। अरे परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमा, ये मंत्र है तुम्हारा। अपने लिए तो सब देते हैं, ये आवेदन बाद में, अपने लिए तो सब देते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता तो वो है जो देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, जो औरों के लिए जीता है। और औरों के लिए जीने वाला संगठन है जन अभियान परिषद, नवांकुर प्रस्फुटन समितियां, उनसे जुड़े हुए बाकी संगठन। और इसलिए मैं आज आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन मेरी बहनों, आज भाई की कलाई पे आपने राखियां बांधी है। ये केवल राखी धागा नहीं है मेरी बहनों, धागा नहीं है, ये कच्चा धागा भाई और बहन के बीच स्नेह का और प्रेम का बंधन है। आज मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की मेरी बहनाओं को वचन देता हूं कि ये राखी बांध के भाई की कलाई पर, ये राखी बांध के आपने इस भाई पर विश्वास किया है, जान भले ही चली जाए तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। इस विश्वास को कभी खंडित नहीं होने दिया जाएगा। मेरी बहनों और भाइयों, आप समाज सेवा में जुटे हुए लोग शासन की योजना को जन जन तक पहुंचाने वाले लोग, एक नहीं अनेकों काम आपने किए। और आज मैं फिर आपके सामने ये कह रहा हूं, देखो अकेली सरकार सारे काम नहीं कर सकती, तब तक जब तक के समाज सरकार के साथ खड़ा ना हो जाए। ये समाज और सरकार मिलकर अगर साथ खड़ा हो जाए तो चमत्कार किया जा सकता है, चमत्कार। और आपके साथ मिलकर वो चमत्कार मैं करना चाहता हूं, प्रदेश की प्रगति का चमत्कार, प्रदेश के विकास का चमत्कार, जनता के कल्याण का चमत्कार, बुराइयां दूर करने का चमत्कार। और मेरे बहनों और भाइयों, आपके साथ मिलकर समाज को खड़ा करके हम मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, नई ऊंचाइयों पर। अभी डॉक्टर जितेंद्र जामदार बता रहे थे, कुछ उदाहरण आपके सामने दे रहे थे। एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में पता ही नहीं चलता था कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढम गड्ढा है। अरे याद है कि भूल गए? जोर से बताओ, याद है कि भूल गए? गांव से जो आए हैं उनकी गाड़ी सड़क पर नहीं, खेतों में चलती थी,
क्योंकि सड़क पे तो गड्ढे ज्यादा होते थे। आज शानदार सड़कों का निर्माण किया है तो इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने किया है। चाहे बिजली के इंतजाम का सवाल हो, मैं आपको बता ही देता हूं, ऊर्जा संरक्षण का अभियान आपने चलाया, आपने वो बल्ब जो कम ऊर्जा खींचते हैं उन बल्बों को लगाने का अभियान चलाया। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, एक जमाना था जब बिजली रहती नहीं थी, आती कम थी, जाती ज्यादा थी। अंधेरों का घर मध्य प्रदेश था। आज एक जमाने में केवल बिजली का की उपलब्धता थी 2900 मेगावाट, आज बढ़ के हो गई है 26000 मेगावाट। सड़कों, बिजलियों, पानियों, आप में से कई किसान भी होंगे, सिंचाई की योजनाओं का जाल मध्य प्रदेश की धरती पर बिछा है। अभी डॉक्टर जामदार बता रहे थे 45 लाख हेक्टर में व्यवस्था हो गई है, 65 लाख हेक्टर में सिंचाई की व्यवस्था करके देंगे। दिन और रात हम काम कर रहे हैं, कोई खेत सूखा ना छूटे। हर किसान के चेहरे पर फसलों की तरह हरियाली आ जाए। अगर काम गिनाऊंगा तो घंटों यहां हो जाएंगे, वो गिनाने नहीं आया मैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है, तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। सारा देश आज सम्मान के साथ खड़ा हुआ है। अरे अब तो भारत छोड़ दो, पाकिस्तान वाले भी कहते हैं कि अल्लाह हमारे पास भी मोदी हो जाता। मैं आपको इसलिए भी बधाई देता हूं, ये जन अभियान परिषद है और उससे जुड़े हुए बाकी साथी, जब कोविड का संकट आया तो सबसे पहले मुझे कोई याद आए तो जन अभियान परिषद वाले याद आए। अपने प्राण हथेली पे रख के जनता की सेवा कौन करेगा। हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए और आपको बधाई देता हूं, आप में से अधिकांश लोग उसमें शामिल हुए। और चाहे लोगों को समझाने का मामला हो, लॉकडाउन सफल बनाने का मामला हो, या घरों में जो अकेले रहते थे उस समय फोन करके पूछ रहा हो कि तबीयत कैसी है, और चाहे वैक्सीन लगवाने का मामला हो, जन अभियान परिषद ने, जन अभियान परिषद के साथियों ने अपनी जान हथेली पे रख के काम किया, अद्भुत काम किया आपने। लेकिन वैक्सीन बनवाई तो मोदी जी ने, मोदी सरकार ने, 200 करोड़ डोज लग गए और दुनिया के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास वैक्सीन पहुंच गई। अगर पुरानी सरकार होती जो 50 साल पहले रही है तो पता नहीं कितने मारे जाते मेरे बहन और भाइयों। आज भारत का मान सम्मान प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में। लेकिन आज मैं आपसे और निवेदन कर रहा हूं, देखो मेरे बहनों और भाइयों, मेरे मन में एक ही जिद है, एक ही जुनून है, एक ही जज्बा है, अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना और जनता को बेहतर जिंदगी देना। मैं सच बताऊं, मेरा बस चले तो सबके आंसू पी जाऊं, कोई आंखों में आंसू ना रहने दूं। क्या तकलीफ देखते हैं, जब कठिनाई देखते हैं, जब परेशानी देखते हैं, तो उस तकलीफ में से योजना बन जाती है। बहनों और भाइयों, एक भी योजना कोई सरकारी अधिकारी ने नहीं बनाई। ये लाडली लक्ष्मी योजना क्यों बनी? इसलिए कि मैंने गांव में बेटी के साथ भेदभाव होते हुए देखा, बेटा का जन्म हो तो खुशियां मनाई जाए, ढोल बजाओ, बधाई गाओ,
लड्डू बटवाओ, भैया आया है। और बहना ने जन्म ले लिया बिटिया ने, तो मैया का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। मेरी आत्मा रोती थी उस समय। मैं कहता था, हे भगवान, ये भेदभाव क्यों? एक ही मां की कोख से बेटा भी पैदा हुआ, बेटी भी पैदा हुई, लेकिन बेटी के साथ भेदभाव। और भेदभाव ऐसा साथियों कि कोख को कतल खाना बना दिया। अगर पता चल जाए पहले ही कि बेटी आने वाली है तो कोख में ही मार डालो। और इसलिए बेटे ज्यादा पैदा हो गए, बेटियों की संख्या कम रह गई। तब मेरे मन में विचार आया कि शिवराज ऐसी योजना बना कि बेटी लखपति हो जाए, और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनी। और आज मुझे खुशी है 44,40,000 से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनका पूरा इंतजाम मामा कर रहा है, चिंता की बात नहीं है। पूरे इंतजाम भाजपा की सरकार कर रही है। लेकिन आज मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की, उसमें आप सबका सहयोग मुझे चाहिए। देखो, बहनें भी आगे बढ़े, बेटी भी आगे बढ़े, इसलिए कई प्रयास हमने किए। 50% स्थानीय चुनाव में रिजर्वेशन दिया, शिक्षकों की भर्ती में रिजर्वेशन दिया, पुलिस में मैंने भर्तियां करवाई बेटियों की 30% के, बेटियों को भी पुलिस में जाने दो। लेकिन मेरा मन कचोट रहा था, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि एक ऐसी योजना और बना शिवराज कि बहनों की इज्जत मान सम्मान बढ़ जाए और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानी दूर हो जाए। मैं सोचता रहा, एक दिन रात भर नहीं सोया, रात भर क्या करूं, कौन सी योजना बनाऊं। तो उसी में से निकल के आया कि अगर बहनों को सशक्त करना है तो उनके हाथ में अगर हर महीने पैसे आ जाएं तो बहनें सशक्त भी हो जाएंगी और उनका मान सम्मान और इज्जत भी बढ़ जाएगी। देखो, हम सब जानते हैं इज्जत और सम्मान के लिए पैसे का भी महत्व है, विशेषकर वो बहनें जो गरीब घरों से आती है, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आती है। और इसलिए मन में आया कैसी योजना। अच्छा, दूसरा विचार क्या आया, बहनों ने मुझे राखी बांधी, अब मैं इनका भैया हूं और भैया भी सगा हूं, सौतेला नहीं हूं। बहनों बताओ, सगा भैया हूं कि नहीं? अरे जोर से बोल के बताओ, सगा भैया हूं कि नहीं? अब भैया सावन के महीने में बहन से राखी बंधवाता है, या तो मायके लेके आता है या खुद बहना के घर जाता है, और फिर भैया कुछ ना कुछ देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई पैसा देता है, कोई और उपहार देता है। देता है कि नहीं देता? कुछ ना कुछ देते। तो दिल में लगा कि शिवराज तू भी तो भैया है रे, और सबका भैया है तू, तेरी लाखों लाख बहने, तो इन बहनों को कुछ दे। और एक विचार और आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। एक बार देने से काम चलता क्या? अरे बोल के बताओ, चलता क्या? तो हर महीना दे। और इसलिए रात भर जग के सवेरे 4 बजे मैंने तय किया कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में 1,000 रुपया डाले जाएंगे। और नाम मुझे सूझा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब मेरी बहनों, ये साधारण योजना नहीं है। अच्छा, ये पैसा किनको मिलेंगे? हर परिवार में जो विवाहित बहन ससुराल चली गई उसको मिलेंगे, ससुराल जो पहुंच गई, 23 साल की न्यूनतम उम्र। और परिवार का मतलब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि इस योजना को आपसे मुझे लागू करवाना है। परिवार का मतलब, सब मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? पीछे तक बताओ, सब सुन रहे हैं? तो परिवार का मतलब है
पति पत्नी और उसके बच्चे, ये एक परिवार। तो एक बहन का एक परिवार। अब आप ये बताओ, 1000 रुपया हर महीना मिलेगा तो साल भर में कितने होंगे? 12000। लेकिन आप सोचो, घर में अगर दो बहुएं हुई तो दोनों को मिलेंगे। अरे दोनों को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो कितने मिलेंगे? 24000। अच्छा, कई जगह दो नहीं, बड़ी भी है, मंझली भी है, संजली भी है, बिचली भी है और छोटी भी है। तो हर एक बहन को मिलेंगे। तो दो हुई तो 24000, तीन हुई तो 36000, चार हुई तो 48000। तो बहन को तो मिलेंगे ही। लेकिन बहन का परिवार अगर किसान परिवार हुआ तो 6000 मोदी जी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, 4 मामा दे रहा है, तो कुल कितने और मिलते? 10000। तो 10000 और जोड़ लो, कितने हो जाएंगे? और मेरी बहनों, अगर बूढ़ी सासू जी घर में हुई तो उनको अभी पेंशन कम मिल रही है, तो सासू जी की भी पेंशन बढ़ा के कर दूंगा 1000। तो सासू जी को कितने मिलेंगे? अब हिसाब लगाओ कितने हो गए। अब बताना, जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बदल जाएगी कि नहीं? ऐसी योजना पहले कभी बनी क्या? ये दुनिया की सबसे बड़ी बहनों के सशक्तिकरण की योजना है, और ये योजना बना के मेरा जीवन धन्य हो गया, सफल और सार्थक हो गया। डराया, पैसा बहुत लगेंगे तो मैंने कहा लगेंगे तो लगेंगे, बहनों के लिए लाऊंगा, भैया काय के लिए। अब इससे देखिए, आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी, मेरी बहनों की इज्जत घर में बढ़ जाएगी। जब सासू जी को ये पता है कि बहू रानी के खाते में हर महीना 1000 रुपया आ रहे हैं, तो सासू जी कहेगी, अरे बहू की रोटी में भी घी चुपड़ो रे। और जब सासू जी का 1000 रुपया आएगा तो बहू कहेगी, माता जी के पांव दबा दू सोने के पहले। तो आप बताओ, सास बहू का प्रेम बढ़ेगा कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बढ़ेगा कि नहीं? सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा सचमुच में। और देखो, भाई तो पैसे का दुरुपयोग, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर भाई के हाथ में पैसा है तो हो सकता है कोई कोई उसका गलत उपयोग भी कर ले, लेकिन बहन कभी भी गलत उपयोग नहीं करेगी। देखो, परिवार कैसे सुधरेगा? क्या बहन बच्चों के लिए दूध लाएगी, सब्जी लाएगी, दाल लाएगी, जरूरत पड़ी तो थोड़ी बहुत दवाई लाएगी, सबसे पहले बच्चों का ध्यान रखेगी, तो पोषण का स्तर सुधरेगा, और थोड़े बहुत पैसा बचा के भी रखेगी मुसीबत के टाइम के लिए। और अभी तो पतिदेव से पैसा मांगती थी, लाओ मायके जाना, जरा 500 रुपया तो दे दो, तो पतिदेव डांट देते थे, नहीं है, जब देखो तब लगी रहे पैसा मांगने, नहीं है मेरे पास, तो मोह महसूस कर रह जाती थी। अब कभी पतिदेव को जरूरत पड़ी और कहीं से पैसे का इंतजाम नहीं हुआ और पतिदेव का मोह उतर गया, चेहरा उतर गया, तो कहेगी, गुड्डू के पापा चिंता मत करो, जे धरे ले जाओ। तो पति का सहारा भी बन जाएगी। बताओ, बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो ये योजना बहन की इज्जत और सम्मान घर में बढ़ाएगी, और मेरी बहनें जरा इज्जत से जिएंगी, आत्मसम्मान से भरी रहेगी कि मेरे हाथ में भी कुछ है, मेरे हाथ में भी कुछ है। मेरी बहनों, इस योजना को आपको लागू करवाना है, और इसके साथ एक काम और किया है, 1 अप्रैल से
शराब की दुकानों में जितने अहाते थे दारू के सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। बोलो बंद कर देना चाहिए ना। अब ये दारू बड़ी खराब चीज है, ये इंसान को इंसान ही नहीं रहने देती। अहाते में पी और हिलते डुलते गिरते पड़ते सड़क पे निकल के आए, कभी गिर गए और कई वैसे ही गाड़ी चलाने लगते हैं। तो गाड़ी चलाने लगते नशे में तो खुद ही यमदूत बन जाते हैं, कई बार खुद भी चले जाते हैं दूसरे को भी ले जाते हैं, और कई बार गड़बड़ भी करते हैं, छेड़ा छाड़ी, बहन बेटियों को परेशान करना। और इसलिए कोई भी दारू की दुकान हो, दारू का वो तो आते बंद ही हो जाएंगे, सड़क हो, कहीं बैठ के दारू नहीं पी पाएगा। पीना है तो बोतल लेके घर जाओ, अब घर जाएंगे तो बेटा भी है बेटी भी है, अरे कुछ तो शर्म लगेगी कि नहीं लगेगी। अब बहनों से कह दूंगा जरा एक डंडा तैयार रखना। देखो ये नैतिक प्रतिबंध है, नैतिक प्रतिबंध, ताकि हम इस बुराई से भी बच सकें। और इसलिए हमको लाडली बहना जैसी योजना और बहनों के सम्मान के काम सारे करते रहना है मेरी बहनों। अब मैं एक सहयोग आपसे चाहता हूं सबसे, कि वैसे हम सब काम करेंगे, हम पानी बचाने का काम करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, हम पेड़ लगाने का काम करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, हम बिजली भी बचाएंगे, क्योंकि आपको बता रहा हूं मैं आज बिजली पे हर साल सब्सिडी हम दे रहे हैं 24,000 करोड़ रुपया, तब बिजली मिल पा रही है सस्ती। लेकिन अगर फालतू बिजली ना जले, केवल जरूरत हो तब जलाए, नहीं दिन है और तो अभी स्विच ऑन, चार चार बल्ब जल रहे हैं, अरे भैया जरूरत क्या है, एक है तो एक ही जलाओ। मैं सीएम हाउस में जब उजाला होता है तो कभी बल्ब नहीं जलाता, मैं खुद बंद करता हूं मेरे कमरे का, जरूरत क्या है। और मेरी सीएम हाउस में अगर काम करने वालों से अगर कहा सुनी होती तो इसी पे, कि ये बिजली के स्विच बंद करो, फालतू बिजली जला रहे हो, अगर ये फालतू बिजली जलना बंद हो जाए तो हम 5-6 हजार करोड़ रुपया की बिजली बचा सकते हैं। और इसलिए हम बिजली बचाने के लिए भी लोगों को प्रेरित करेंगे, जितने काम हमारे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति अभियान, ये सारे काम करेंगे। लेकिन अभी एक काम में मैं 1.5-2 महीना लगाना चाहता हूं आपको, बल्कि 3-4 महीना, इन कामों के साथ लाडली बहना योजना को जमीन पर लागू करवाने का काम। बोलो सब करोगे, सब बताओ करोगे। अब कुछ चीजें मैं लाडली बहना का इंप्लीमेंटेशन मतलब लागू करवाना कैसे होगा। नंबर एक, बहनों को यह भरोसा दिलाना कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाना, हम तो हैं, हम आवेदन भरवाएंगे, चिंता मत करो। आवेदन के लिए देखो 3 चीजें, एक 2.5 लाख रुपया से कम आमदनी वार्षिक। 2.5 लाख रुपया का मतलब हुआ हर महीने 20,000 रुपया तक की आमदनी, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूं अधिकांश बहनें इस श्रेणी में आ जाएंगी, आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी। 2.5 लाख रुपया वार्षिक से कम की आमदनी, या 5 एकड़ से कम जमीन, 5 एकड़ तक जमीन होनी चाहिए, उससे ज्यादा है तो फिर बड़े आदमी है, फिर 1,000 रुपया की कोई उत्तम मतलब नहीं है। कोई 4 पहिया वाहन, जीप, कार,
उसके मालिक नहीं होना चाहिए। पर ये शर्तें, विवाहित बहन 23 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र की। अब ये साधारण चीजें, और आवेदन भरना है 25 मार्च से। कब से भरना है? अरे बोलो ना, 25 मार्च से। और आवेदन गांव में ही भरे जाएंगे, शहर में वार्ड में भरे जाएंगे, गांव में ही टीम जाएगी। तो बहनों को एक बात समझाना, अभी भग रही है, परेशान हो रही कई जगह कि वो मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवा लो कि आय का प्रमाण पत्र बनवा लो। ना तो आय प्रमाण पत्र की जरूरत है और ना मूल निवासी प्रमाण पत्र की जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये जरूरत लगा दो तो फिर भग रहे हैं बनवाने, और उसी में 100 200 500 रुपया खर्चा कर रहे हैं। आप कहोगे फिर 2.5 लाख कैसे मानोगे? बहन अगर कह देगी कि मेरी आमदनी 2.5 लाख से कम है तो हम मान लेंगे कि 2.5 लाख से कम है, सीधी बात। आप बताओ बहनों पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ बोल के, करना चाहिए कि नहीं? तो केवल आवेदन टिक करना है कि 2.5 लाख से कम की आमदनी, कोई ने झूठ बताया होगा और शिकायत होगी तो उसकी जांच होकर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हर एक से काय को प्रमाण पत्र लो, उसी में परेशान हो जाए, इसलिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। वो बता देंगे हम मान लेंगे, बहने वैसे भी झूठ नहीं बोलती। और इसलिए हर गांव में शिविर लगेंगे, शहर के हर वार्ड में शिविर लगेंगे। वार्ड बड़ा होगा तो 3-4 शिविर लगा दें। और एक बात और आप ध्यान रखना, एक दिन शिविर नहीं लगेगा, जब तक पूरे आवेदन नहीं भर जाते तब तक शिविर लगा ही रहेगा गांव में। तो बहनों को समझा देना कि परेशान मत हो, एक दिन में एक शिविर में 30-35 आवेदन भरे जाएंगे। क्योंकि केवल भरना नहीं है, मुझे आवेदन भरना है, बहन का फोटो खींचना है भाई, और आवेदन कंप्यूटर में ही भरवा दूंगा मैं। इसलिए कि बाहर धरे रहे तो कोई दबा के बैठ जाए और कहे कि लाओ 50 ले आओ कि 100 ले आओ, तो मैंने कही चक्कर ही खत्म करो भैया। कई बार बेईमान कोई घुस जाए तो मामा क्या करे। और इसलिए जब तक सब बहनों के, पात्र बहनों के आवेदन नहीं भरे जाएंगे तब तक शिविर लगा ही रहेगा, चाहे 10 दिन हो जाए चाहे 15 दिन हो जाए। समझ गए मेरी बात? अरे समझ गए कि नहीं? तो सब बहनों को समझाते रहना कि चिंता काय को, आप लोग तय कर लेना वहां के प्रशासन से मिलके, जनप्रतिनिधियों से मिलके, कि आज ये 30 बहन भरेगी, कल ये 30 भरेगी, परसों ये 30 भरेगी, तो घर का काम भी नहीं बिगड़ेगा और आसानी से फॉर्म भर जाएंगे। और आवेदन में एक बात है, बैंक अकाउंट चाहिए, आधार नंबर चाहिए। आधार नंबर लगभग सबके पास नहीं होगा तो बनवाने की भी पूरी सरकारी व्यवस्था करेगी। बैंक अकाउंट नंबर चाहिए और EKYC चाहिए, इसलिए कि पहचान हो जाए कि इन्हीं के खाते में पैसा जाए, कोई बेईमानी ना हो पाए। लेकिन एक बात और सुन लेना, अभी कई बहनें EKYC के लिए भाग रही थी, यहां जा रही थी वहां जा रही थी, कहीं नहीं जाना। यह भी समझा देना, EKYC भी गांव में ही करवाएंगे, ठीक है? अच्छा एक और जानकारी नोट कर लेना, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, अलग अलग जो होते हैं EKYC के, ये फोन से भी हो सकता है। मैंने सबको जो EKYC बनाएंगे, प्रति बहन 15 रुपया देने का फैसला किया है, इसलिए कि वो पैसा नहीं मांगने लगे। लाओ अभी मैं गया था कल बुरहानपुर, वहां पता चला कि EKYC के ही 100-200 रुपया मांग रहे हैं, तो मैंने कहा FIR करके जेल भिजवाओ रे, छोड़ूंगा नहीं ऐसे कोई बेईमान होंगे। उनसे मैं फ्री में नहीं भरवा रहा, मैं पैसे दे रहा हूं ना, 15 रुपया लो बनाओ। तो ये बिना पैसे के बनने होना है EKYC, ठीक है? सब समझ गए? और कोई पैसा मांगते दिखे तो खड़े हो जाना कि हम आए। कैसे पैसे मांग रहा हो? 1-8-1 पर फोन कर देना, तुरंत नौकरी खत्म कर दूंगा मैं। ये जानकारी आपको होना चाहिए। हां कुछ जगह ऐसी हो सकती है
जहां EKYC के लिए दूसरे गांव जहां कनेक्टिविटी नहीं है ना, काम ही नहीं करते, सिग्नल नहीं रहते, तो दूसरे गांव ले जाना पड़ेगा, तो वहां भी बहनों को जाना नहीं है, गाड़ी मैं करवाऊंगा, उनमें बिठवा के ले जाऊंगा, भाभी खुद को नहीं जाना है, भाभी हम गाड़ी की व्यवस्था करके भेजेंगे, कर्मचारी जाएंगे बनवा के लाएंगे। अरे शिवराज, तेरे होते हुए बहनों को परेशानी हो गई तो तेरे मुख्यमंत्री होने का मतलब ही क्या है रे। और इसलिए सारी व्यवस्था बनाई है, अप्रैल के अंत तक, 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, मई में ये फॉर्म पूरे जो नाम आएंगे वो लगा देंगे पंचायत भवन में या जो भी गांव में उपयुक्त जगह, इन इनके नाम आ गए, कोई को आपत्ति होगी, कोई छूट गया तो वो हो जाएगा, कम रह गए। और 10 जून से बहनों के खाते में 1000 रुपया महीना जाना शुरू हो जाएगा। पूरा प्रोग्राम बना रखा मैंने। अब ये आवेदन भरवाना, EKYC करवाना और बाकी प्रक्रिया पूरी करवाने में आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? आप सब जुड़ जाएंगे तो फटाफट ऐसे काम हो जाएंगे। और ये बड़े पुण्य का काम है, देखो यही धर्म पुण्य के काम है, लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, यही पुण्य के काम है। तो इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। जहां जहां पेशा एक्ट लागू हुआ है वहां पेशा की ग्राम सभा बन जाए, शांति और विवाद निवारण समिति बन जाए, पेशा का लाभ वहां मिल जाए। कोई के खिलाफ नहीं है पेशा, कोई के खिलाफ नहीं, भाई गांव में लागू होगा पेशा, गांव में पेशा ब्लॉक में, शहरों में नहीं है, नवासी ब्लॉक के पेशा ग्रामों में। और इसलिए उसमें भी आपका सहयोग चाहिए ताकि वो अधिकार दे दें। बोलो, सबका सहयोग मिलेगा? मेरे बहन और भाइयों, आपके सहयोग से मैं मध्य प्रदेश बदलना चाहता हूं। मेरी सांसें अगर आज चल रही है तो अपनी जनता के लिए चल रही है, अपने लोगों के लिए मैं जी रहा हूं और बेहतर से बेहतर काम करके। कितनी चीजें, एक एक काम और सहयोग चाहिए। एक बनाइए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, कोविड के टाइम बनाई थी, अगर कोई बच्चा बिना मां बाप का है कोविड में चले गए तो उसको सड़क पर कैसे छोड़ दूं भैया। इतने हमने तय किया, 5000 रुपया महीना उनको हम पेंशन देंगे, राशन देंगे, फीस जमा करेंगे। अब मेरे मन में आया कि भैया बिना ही कोविड के अगर कोई चले गए माता पिता तो वो बच्चे कहां जाएंगे रे, और वो सड़क पर है तो तुझे मामा कहलाने का कोई हक है क्या। और इसलिए अब मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना सब अनाथ बच्चों के लिए मैंने लागू कर दी है, सब अनाथ बच्चे अगर कोई है तो, और उनको जो रखेगा उनको 4000 रुपया महीना दूंगा मैं, ताकि उन बच्चों का लालन पालन ठीक हो सके। तो आप प्रस्फुटन समिति नवांकुर वाले, CM CLDP, बाकी संगठन, जन अभियान परिषद, इस काम में लग के इन बच्चों की भी सेवा करें ताकि कोई अपने रहते हुए अनाथ ना कहला पाए। मेरे बहनों और भाइयों, अनाथ ना कहला पाए, ये लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में सारे मेधावी विद्यार्थी, कोई जाति समाज के हो, सबके फीस भरने का हमने फैसला किया है, कितनी भी हो, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की। और एक बात और आज मैं बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस ने बड़ा षड्यंत्र किया, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी लाद दी बच्चों की मुंडी पे, अंग्रेजी लाद दी कि मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होगी। अब आप बताना मेरे बहनों और भाइयों, गरीबों के गांव के बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? किसानों के बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? ये षड्यंत्र था
कि मुट्ठी भर कुछ लोगों के बच्चे ही डॉक्टर इंजीनियर बने, बड़े पदों पर पहुंचे, धनु मन्ना कल्लू पन्ना रह जाए बेचारे। एक बच्चे ने पिछले साल मेडिकल में एडमिशन हुआ, उसके हम फीस भरवा रहे थे, साल भर बाद पढ़ाई छोड़ के आ गया। मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बोले मामा वो अंग्रेजी समझ में नहीं आती है ना मासी, टीटी घरे डुकरिया पीटी पल्ले नहीं पड़ रही कुछ, तो हम तो छोड़ बगे। तब हमने तय कर दिया इस साल मध्य प्रदेश में हो गया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश में हिंदी में होगी, हिंदी में। बोलो होना चाहिए कि नहीं? ये सारी व्यवस्थाएं बदलने का काम अपन कर रहे हैं, और इसी में आप सबका साथ चाहिए। देखिए एक नया मध्य प्रदेश बना रहे हैं अपन, किसानों की योजना है, गरीबों की योजना है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, रहने की जमीन नहीं है तो जमीन के टुकड़े का मालिक बनाएंगे, कोई बिना जमीन के टुकड़े के मध्य प्रदेश में नहीं रहेगा, रहने की जमीन हर एक की होगी सर। क्यों नहीं होना चाहिए? जब भगवान ने पैदा किया तो इतना हक तो दिया है कि इतनी जमीन का टुकड़ा तो मेरा अपना हो। आज सब योजनाओं की जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं सब करना चाहता हूं तो अकेले सरकारी तंत्र के भरोसे नहीं, इनको लागू करवाने में समाज का सहयोग चाहता हूं, आपका सहयोग चाहता हूं। देखिए हम सब मिलकर तय कर लेंगे, मैं भी साथ हूं बेटा, हम सब मिलकर तय कर लेंगे तो कोई बेईमानी नहीं होगी, कोई लूट नहीं होगी, और समाज के साथ सरकार के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता मुझे मिल जाएंगे जो लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं आपके साथ मिलके मैं नया मध्य प्रदेश बना दूंगा, मेरे बेटे बेटियों, मेरे बहन और भाइयों, नया मध्य प्रदेश। और इसलिए आज मैंने आपको बुलाया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम का अभिनंदन है। आप वो लोग हैं जो समाज के बाकी लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो धरती बचाना चाहते हैं, पानी बचाना चाहते हैं, नदियां बचाना चाहते हैं, स्वच्छता के काम में लगे हुए हैं। तो आओ मामा के साथ खड़े हो जाओ, मिलके हम जनता की जिंदगी बदलने के काम में भी लग जाएं। और इसका प्रारंभ लाडली बहना योजना से होगा। आओ मिलके काम करें ताकि बदल दें जमाने को, नया जमाना लेके आए, नया जमाना लेके आए, नया मध्य प्रदेश बनाए जहां कोई बच्चा मजबूर ना हो, जहां किसी बहन के साथ अत्याचार ना हो, और बहन बेटी की तरफ कोई गलत नजर से देखता है, दुराचार करता है तो सीधे फांसी के फंदे पर लटकाने का कानून हमने बनाया है। जहां अनाथ भी सनाथ हो जाए, ऐसा मध्य प्रदेश बनाने का मेरे साथ संकल्प लो मेरे बहनों और भाइयों, मेरे साथ संकल्प लो। बोलिए सब तैयार हैं? इन योजनाओं को लागू करने में मेरी मदद करेंगे, अपने गांव को बेहतर बनाने में मेरी मदद करेंगे, बुराइयों को खत्म करने में मेरी मदद करेंगे, नया जमाना लाने में मेरी मदद करेंगे, नया मध्य प्रदेश बनाने में मेरी मदद करेंगे। तो उठ के अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सब। आज ये हजारों हजार मीडिया वाले मित्रों, जरा पीछे देखो, अकेले मुझे मत देखो, हजारों हजार सामाजिक कार्यकर्ता, ये जन अभियान परिषद, ये नवांकुर प्रस्फुटन समितियां, ये हमारे सामाजिक संगठन, CMCLDP के विद्यार्थी मेंटर्स, सब संकल्प कर रहे हैं कि हम मामा के साथ चलेंगे, नया मध्य प्रदेश बनाएंगे, मिलकर साथ काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठे, और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, महाकाल महाराज की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदा। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए।
बोलिए शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। तीन चीजें हम हर तय कर रहे हैं आज जन अभियान परिषद और सभी साथी संस्थाओं के लिए। एक तो प्रदेश के सभी शासकीय विभागों द्वारा संचालित जनहितकारी योजनाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद को नोडल एजेंसी नियुक्त किया जाता है। नंबर दो, मध्य प्रदेश में कार्यरत प्रत्येक एनजीओ को मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के पोर्टल में पंजीकरण कराना, वार्षिक प्रतिवेदन एवं गतिविधियों को अपलोड करना अनिवार्य कर दिया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो। और तीसरा, शासन के प्रत्येक विभाग द्वारा कराए जाने वाली योजनाओं का प्रचार प्रसार, सर्वे और जन भागीदारी के काम भी जन अभियान परिषद को भी सौंपे जाएंगे। ठीक है, बोलिए भारत माता की। आभार प्रदर्शन के लिए परिषद के माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय विभासी। हार्टफुलनेस और समुन्नति फाउंडेशन की ओर से एक स्नेह भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, परिषद के माननीय अध्यक्ष जी के लिए। यह मूल्यवान धरोहर समुन्नति फाउंडेशन और हार्टफुलनेस फाउंडेशन हैदराबाद की ओर से माननीय को समर्पित। और अब आभार प्रदर्शन के लिए माननीय उपाध्यक्ष जी आदरणीय विभास सर। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, दोनों हाथ उठा के बोले शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, नर्मदे मैया की, महाकाल महाराज की। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सबके बीच में आप सबका अभिनंदन करने के लिए आए हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। आप सब इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए। जन अभियान परिषद के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा आयोजन यह हुआ है।